गुड इवनिंग मीडिया फ्रेंड्स, आज हम बेसिकली ये जो सगाली PS 0101 केस नंबर 0121 और केस नंबर 0421 का बारे में थोड़ा आप लोगों को थोड़ा ब्रीफिंग करना चाहता है। इसमें हमारा ये लेफ्ट में है हमारा यहाँ का DSP हेडक्वार्टर भी है प्लस SDP और दुईमुख भी है बोंकेन बासर, और हमारा राइट में है ये दोनों केस का आयो प्लस एज ऑफ नाउ राइट नाउ OC चार्ज में है सगाली PS का OC चार्ज जोरम तकब। फ्रेंड्स, हमारा इसमें थोड़ा सा फ्रेश ब्रीफिंग इसलिए करना पड़ रहा है ताकि हमको अल्टीमेटली पीस एंड ट्रैंक्विलिटी चाहिए डिस्ट्रिक्ट में, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी चाहिए। इसलिए हम ये जानना चाहता है बोध डिस्ट्रिक्ट को, पकुम्बरी डिस्ट्रिक्ट और ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट और जो भी है ऑल ओवर अरुणाचल प्रदेश में, ये जानना देना चाहता है कि पुलिस पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए जुटा हुआ है, हमेशा लगा हुआ है अंडर द कमांड ऑफ हमारा लर्नेड DGP सर RP पोदिया सर और IGP LO छुआपा सर और DIGP रेंज का, वेस्टर्न रेंज का हमारा किमियारिया सर का जो निगरानी पे जो सपोर्ट में हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारा ये 13 का इंसिडेंट है 13 जनवरी 2021 को, तो एक केस आया हमारा यहाँ। हम लोगों को एक बताया गया था कि हमारा OC को बताया गया था कि ये कुछ सोनम तागियो करके कोई आदमी है, उसको किसी ने मैन हैंडल किया है। वो बताया गया है पक्के केसन पी एस से बताया गया। तो पक्के केसन पी एस से जब बताया गया तो बाद में उस पक्के केसन पी एस वालों ने बोला कि सिंस ये जो रैक बस्ती है पकुम्बरे के अंदर पड़ता है तो आप लोग जाके OC सगाली पे रिपोर्ट करें। तो OC सगाली पे रिपोर्ट करने के लिए उस समय रात हो चुका था जो इंसिडेंट हुआ है, इंसिडेंट होके इसके बाद पक्के केसन तक जाते जाते रात हो चुका था। तो बाद में उन लोगों का टीम आना था नेक्स्ट डे हमारा OC PS सगाली के पास आना था। तो उस समय में आने के दौरान पे उन लोग प्लानिंग तो वो किया होगा, तो जो इसका दौरान पे जो केस का दौरान का हिसाब से प्लानिंग किया है आने के लिए, बट जो बातचीत करने के लिए भी आया रेग बस्ती में आया और रेग बस्ती में कुछ फाइनल उन लोग का बीच में एक डेडलाइन फिक्स किया 16 को बात करेगा करके। तो बात फिक्स करते करते बाद में थोड़ा सा जो मिसअंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन गैप होने के कारण उधर में थोड़ा झगड़ा उगड़ा हो गया और मारपीट हो गया। तो मारपीट होने के कारण तो वो जो हम लोगों को जो केस पहुंचना था सगाली PS में वो नहीं पहुंच पाया, लेकिन जो मारपीट हुआ सोनम तागियो वाला नहीं पहुंच पाया, जो मारपीट हुआ वाला केस बाद में पहुंच गया हमारा पास। तो हमने केस उसी दिन 14 को हम लोग ने रजिस्टर किया 0121 केस नंबर सगाली PS 0121। इसके बाद हम लोग ने कार्रवाई शुरू किया। उसमें हमने टीम बनाया, हमको देख ही लग रहा था कि केस काफ़ी सेंसिटिव हो सकता है क्योंकि यहाँ पे दो डिस्ट्रिक्ट का इन्वॉल्व हो गया, भले ही डिस्ट्रिक्ट का इन्वॉल्व नहीं था, ये इंडिविजुअल केस था बट आदमी लोग उसको कलर ऐसे दे रहा था पेंट, जब फेसबुक में देख रहा है व्हाट्सएप में देख रहा है कलर ऐसे पेंट कर रहा था, तो हमको सेंसिटिविटी हम लोग को नज़र आया इसमें। तो जब असली में तो ये दो इंडिविजुअल का ही बीच में था, तो तब हमने टीम फॉर्म किया हमारा DSP साहब का अंदर पे निगरानी पे एक टीम फॉर्म किया और एक इसका OC के आयोग के अंदर में आयोग का टीम को हमने सपा भेज दिया और ये जो इसका DSP साहब का टीम को ये नाहरलगुन पे रेड करवाया, जगह जगह पे रेड करवाया, किसने किसने मारा, तो रेड हो रहा था। इन द मीन टाइम जब रेड हो रहा था हम लोगों को खबर मिला कि हाईवे पर उधर से ये हुआ वो हुआ, जैसे हम लोगों ने एंटिसिपेट किया तो हाईवे ब्लॉक कर दिया। तो हमने हमारा यहाँ से फिर फोर्स भेजा, टीम भेजा, DSP साहब को भेजा, उधर में OC साहब था, OC उसको उसका टीम को जाने दिया,
और प्लस उधर से एडीसी साहब को, हमारा डीसी साहब को रिक्वेस्ट करने के उसको इंटीमेट किया, उन्होंने अपना एडीसी साहब को भेजा, वो जाके उसके बाद उधर में उन लोगों ने जो ब्लॉक है ब्लॉक को डीएसपी साहब को खोल दिया। इन द मीन टाइम हम भी एसपी कैपिटल का चार्ज डुअल चार्ज यहाँ देख रहा था, तो मेरे पास टाइम का बहुत पावर कम शॉर्टेज था, तो इसलिए डीएसपी साहब को जाने देना पड़ा। ऐसे करके वो चला जाके उसको विद्रोह उसको हटा दिया, हम लोग कार्रवाई कर रहे करके एश्योरेंस दी। फिर उधर से वापस जब आया तो बाद में देखा तो 24 आवर्स का, उधर में तो बोला नहीं, बाद में फिर 24 आवर्स का एक दिया कि इसको पकड़ना है 24 आवर्स का अंदर में, अल्टीमेटम एक दिया। तो अल्टीमेटम 24 आवर्स का अंदर में तो हमारा हम लोग का कोशिश तो करेगा, लेकिन फिर इतना कहाँ कहाँ भाग जाता है, इतना तो इतना आसान काम नहीं है। तो लेकिन फिर हम लोग ने डिस्कशन किया बाय एनी मीन्स कुछ करना है, तो करके हमारा टीम को फिर इसको सपा भेजा, ये सपा गया, सपा जाके उसका विलेज में रेड किया, हमारा सोर्स लगाया टेक्नोलॉजिकल, हमारा जो CMCU PHQ में जो CMCU सेल है उसका यूज़ किया, यूज़ करके उसका जो हम लोग ने ऑलरेडी सब कुछ लोकेट किया, आइडेंटिफाई सब कुछ लोकेट कर चुका था। तो जब हम लोग ने लोकेट किया इन द मीन तब हम लोग को खबर मिला कि ये सरेंडर करेगा, क्योंकि जब दो भले ही ये इंडिविजुअल इशू था, ये अभी हाईवे ब्लॉकेज के कारण से डिस्ट्रिक्ट का इशू हो गया, सब मतलब इंटेलेक्चुअल इसमें थोड़ा सोचने लग गया कि नहीं वो करना है, और ऐसे करके फिर अनफॉर्चुनेटली वो सरेंडर मेटेरियलाइज नहीं हो पाया, नहीं हो पाने के कारण से फिर वो तो ये इशू ऐसे हो गया, सरेंडर करेगा करके जो 15 तारीख को सरेंडर करके करेगा करके था, तो हम लोग भी सरेंडर कर लेता है तो जो 24 आवर्स का गैप है वो ख़त्म हो जाता है, तो ऐसे करके था। तो उसमें बाद में क्या किया हम लोगों ने, अगर वो सरेंडर करता है तो केस ख़त्म, तो चीज़ इशू रिजॉल्व। तो उसमें हम लोगों ने वेट किया, तो जब वेट किया नहीं हो पाया, तो इसके बाद फिर ब्लॉकेज फिर कंटिन्यू हो गया, तो सीरियसनेस पता चल गया, काफ़ी सीरियस हो गया ब्लॉकेज फिर इसे। तो हम लोग ने फिर हमारा जो उसको एफर्ट को इंटेंसीफाई किया, एफर्ट को इंटेंसीफाई करने के दौरान फिर हम लोगों का ये जो बाद में फिर या दोनों डिस्ट्रिक्ट का जो एलाइट है, स्टूडेंट यूनियन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, फिर एक बार शामिल होकर उन्होंने एक फिर हम लोग ने डिसीजन लिया कि एक मीटिंग करते हैं। तो मीटिंग एक 17 को एक मीटिंग हुआ नेपोरेंग बस्ती पे, उस पर हमारा ऑनरेबल गुरु पोर्दंग MLA गुरु पोर्दंग आया, ऑनरेबल MLA गुरु पोर्दंग जी आया, उसके बाद ये हमारा ADC सगाली, ADC सपा, ADC इंचार्ज पे था वो आया, मैं खुद था, उसके बाद हमारा उसमें ये नेस आया, नेस एलाइट सोसाइटी, एक्सो इस कमिंग का ये सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ZPC आया सपा का, और ZPMs लोग आया सपा का, उसका लेपोरेंग का ZPM था, प्रेजेंट था नाबम ताकि अन्या का प्रेसिडेंट, अन्या का टीम और अंशु का भी रिप्रेजेंटेशन था, यूथ लोग भी था। तो ये सब रह के उस पर रिजोल्व किया कि 15 डेज फिर हम लोग ने बोला हम कार्रवाई करेगा, तो 24 आवर्स तो बहुत काफ़ी कम है, तो जैसे भी हो एक्सटेंशन करो 15 डेज का, उन लोगों से बोला, तो उन लोगों ने 15 डेज का दिया, और इन द मीन टाइम 17 को ही हम लोग रोड खोलवा दिया, रोड हाईवे खोला, खोलने के बाद उधर से हम लोग ने लग गया, और उसमें उन लोगों ने कमिटमेंट भी ये किया, हमारा एक्सो का टीम, NES का टीम, जो भी है जो प्रेजेंट था उन लोगों का तरफ से, उन लोगों ने भी बोला कि बाय एनी मीन्स उन लोग भी थोड़ा हेल्प करके जो भी है सरेंडर करने का हेल्प करेगा। तो जब वो चल रहा था इन द मीन टाइम हमारा जो हमारा कार्रवाई भी चल रहा था, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का जो कार्रवाई चल रहा था, तो चलने के दौरान हम लोगों को जो हमारा सोर्स है, हमारा जो सोर्स के इंटेलिजेंस इनपुट हम लोगों को मिला कि 3 जो बंदा है वो बोमदिला में मिल रहा है, दिखाई दे रहा है। बोमदिला में हम लोग उधर का OC के देव, इंस्पेक्टर के देव को हम लोगों ने थोड़ा वो किया, एक्टिवेट किया, और एक्टिवेट किया हमारा यहाँ से उसका SP को भी, हम लोग का जो रेडी सर है उसको भी हम लोग ने एक्टिवेट करवाया, रिक्वेस्ट किया थोड़ा सा हेल्प करें। तो उसके बाद के देव उसमें एक्शन पे आके वो टीम को, हमारा पुलिस टीम का
लॉ और हमारा इंस्पेक्टर ये जो के देव का हेल्प से उसको अरेस्ट किया, वो तीनों तीनों को अरेस्ट करके हम लोग लेके आया सीधा दुईमुख थाना। जब बाद में उसमें जब पूछताछ के दौरान पता चला कि वो लोग जो गाड़ी है, जो हमारा फोटो वोटो में जो गाड़ी सर्कुलेट हो रहा था, जो गाड़ी अलग ही कलर का रेड और क्या सफ़ेद कुछ था, ऐसे कुछ का था, आई टेन एक तो था, तो वो जो कलर थोड़ा तेरा मेरा था, तो सिंस वो दिख में आ जाएगा और फ्रंट में जो नंबर नहीं था तो इसको कलर को चेंज करने से पता नहीं चलेगा करके, तो उन लोगों ने उसको कलर को चेंज करने के लिए बम दिला गया था। तो हम इन द मीन टाइम हम लोगों को खबर मिला और हम लोग ने उसको पकड़ा। तो जब हम लोग ने पकड़ा तो उसके बाद तो उसके बाद उसका प्रेशर था पुलिस का, हमारा जो जो रेड का प्रेशर था, प्लस सोसाइटी का जो हेल्प था, एनजीओस का था, ऑनरेबल एमएलए का था, एनईएस का था, जो सोशल यूथ का प्रेशर से, तो अल्टीमेटली उन लोगों को ये झुकना पड़ा, नहीं बोलेगा हम ये करना पड़ा, मतलब साथ देना पड़ा और सरेंडर करना पड़ा। तो इसीलिए इसके दौरान हमारा ये जो 23 01 21 को ये हमारा सोनम तागियो ये जो है मेन एक्यूज जो है, जिसने लेट करके जो जो मार उसमें जो लेपरन में जो इंसिडेंट किया था वो सरेंडर किया। हमारा सपा एसपी जो सुमित झा सर के आगे में उन्होंने सरेंडर किया और उसको हम लोग ने फिर सीधा लेके आया दुईमुख पे, लेके आया दुईमुख थाना पे। और इन द मीन टाइम फिर इस साइड से भी जो एस बाद में फिर प्रेशर आया, हर यहाँ अरेस्ट होने लग गया, ये इस साइड से सरेंडर हो गया। तो इन द मीन टाइम जब उधर से जब सरेंडर किया तो फिर वो जो उन्होंने सपा पीएस का उधर में फिर उन लोगों ने फिर जो सोनम तागियो को जो फर्श में जो 13 तारीख को जो थोड़ा पंच मारा था वो वाला इंसिडेंट एफ आई रजिस्टर हो गया, 0 FIR उधर सपा पीएस में रजिस्टर किया और उसको हमारा सगाली थाना पे भेजा। और उसका बेसिस पे हमने 04 021 केस नंबर 0421 पे रजिस्टर किया और करके हमने नाबम तायंग को भी अरेस्ट कर लिया। कल उन्होंने आज सरेंडर किया और हमने अरेस्ट कर लिया, हमारा अभी कस्टडी में, दोनों हमारा कस्टडी में है। तो इसमें सोनम तागियो का वाला थोड़ा इंसिडेंट ऐसे था, जब सोनम तागियो जब यहाँ से जो एक जेसीबी लेके सपा की तरफ जब जा रहा था, तो उस समय मैं सोनम तागियो में थोड़ा वापस में आ रहा हूँ। सोनम तागियो जब वापस आ रहा था सपा की तरफ जा रहा था, उस समय में इट सीम्स जो ये हमारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान पे पाया गया है, तो सोनम तागियो जब रेप बस्ती के सामने से गुजर रहा था उस समय में ये नाबम तायंग है, तो उन्होंने ये सोनम तागियो को रुकाया, क्योंकि सोनम रेप बस्ती में नाबम तायंग का जो है एक लेन का एक कटिंग चल रहा था, तो कटिंग का जैसी भी है ना नहीं बोल के उन्होंने ये कोई लेके भाग के तो नहीं जा रहा है ऐसे कुछ करके, तो उन्होंने रुकाया था। तो उसमें जब रुकाने के चक्कर में सिंह सोनम तागियो खुद ही उन्होंने बोला कि थोड़ा सा ये बियर पिया था, तो नीचे में सगाली के सामने में बियर पिया था, तो शायद उसके कारण से भी होगा या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से होगा शायद, तो उसका बीच में दोनों का बीच में हीटेड आर्गूमेंट हो गया। तो अब हमको किस लिए रुकाता है ये हेन, तो इसमें हीटेड आर्गूमेंट के दौरान पे उन्होंने ये जो हमारा नावम तायंग है तो पांच मार दिया। तो ऐसे करके ये चला गया, चला जाके उसका भाई बंधु को बता दिया, भाई बंधु फिर उन लोगों ने फिर ग्रुप बना के बात करेगा करके आया था। इसमें कोई मारने पीटने का कोई जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पे हमें पाया गया, मारने पीटने का कोई वो नहीं था, बात करेगा किस लिए मारा, वो बात करने के लिए आया था। तो बात करने के लिए जब रेग बस्ती पे आया, रेग बस्ती पे फिर उसमें फिर थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, उसमें कुछ जवान लड़का लगता वो बीच में थोड़ा हाथों ये उठावती हो गया और थोड़ा सा सीरियस एक नाबम गुनिया करके है उसको थोड़ा सीरियसली इंजर हो गया। तो ये बात है। तो अल्टीमेटली हमारा तरफ से ये है पुलिस डिपार्टमेंट, हम लोग अंडर द लीडरशिप ऑफ हमारा डीजीपी लर्न डीजीपी आरपी पोदिया के जी एस आर के अंदर पे हमारा पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा फेयर जस्टिस देने का और लॉ एंड ऑर्डर को सही जगह पे रखने का, सही ढंग से रखने का हमारा वो कमिटमेंट है और हम लोग ट्राई कर रहे हैं और करता भी है। इसमें भी हम लोग ने फेयर काम किया है, दोनों साइड को अरेस्ट किया है, जो जो गलती है
दोनों को अरेस्ट किया है हमने, ये नहीं किया कि ये गलती है वो गलती है, तो दोनों को अरेस्ट किया, दोनों अभी हमारा कस्टडी में है। इसलिए हम ये कहने के कारण हम बाद हम ये इसमें हम जितना भी जोर भी स्टेक होल्डर यहाँ पे जो इन्वॉल्व था हमारा, जैसा कि हमने पहले भी बोला, हमारा एनजीओस, एनईएस, ऑनरेबल एमएलए गौरव पोर्दुंग जी, और जितना जेड पीएम्स लोग है, एडीसी, उसके बाद हमारा डीजी सर, आईजी सर, डीआईजी सर, और हमारा जो एसपी सपा है, एसपी बोम दिला है, हमारा इंस्पेक्टर के देव, और हमारा ये नाहरलगन का एक है एसआई सुशांत सिंह, उन लोगों सॉरी सुशांत झा, तो उन लोगों का काफ़ी हाथ रहा है इसमें जो केस को सॉल्व करने के लिए। तो इससे हम और हमारा ये डीएसपी है, हमारा आयो है, तो इसमें हमारा ओवरऑल पुलिस का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट दिखा गया, वो जो अरेस्ट तीन को पहला अरेस्ट करने में, और अभी मसला को पूरा सॉल्व करने में हमारा पूरा होल स्टेट का कोऑर्डिनेशन दिखाई दिया, पॉलिटिशियन से लेके, सोसाइटी का इंटेलेक्चुअल से लेके, इसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट से लेके, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, और आज आप लोग का मीडिया जो है उन लोगों का हेल्प से, तो हम लोग सबको थैंक यू कहता है, सबको जो अभी इसको सॉल्व करने में जो मदद किया है थैंक यू कहता है, जो भी इसमें जो इन्वॉल्व था, और अगर यहाँ पे एक दो किसी का नाम छूट गया है तो इसको भी हमारी तरफ से थैंक यू कहता है। इन एडिशन टू दैट हम ये एक दो अपील करना चाहते हैं।